स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल में डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, अब हम उसी लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि उस कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू कर सकें विद द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो रिव्यू करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमने क्या पढ़ा था, कि अगर एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम हो, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम हो, इट्स मीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि जो हाइड्रोजन अटैच होगा किसके साथ होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होने चाहिए, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। जब एक हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच होगा, वो हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल को किस तरह से अट्रैक्ट करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा होना चाहिए जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। ये ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर फ्लोरीन भी हो सकता था, नाइट्रोजन भी हो सकता था, और कुछ केसेस में फ्लोरीन भी हो सकता है। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जिसमें एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन दैट इज अटैच टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में विद एग्जांपल्स डिटेल डिस्कशन की थी। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज हमने डिफरेंट डिस्कस की थी, डायपोल डायपोल फोर्सेज, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। और हमने लास्ट में कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्स है एज कंपैरिजन टू अदर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी डिस्टर्ब करती है। किस तरह से, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेथनॉल है, ठीक है, और इथेन, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल्स की इफेक्ट होती है। अगर हम मोलर मास इन दोनों का देखें तो तकरीबन सेम आता है। मेथनॉल का मोलर मास है 32 और इथेन का है 30.1, अप्रॉक्सीमेट सिमिलर मोलर मास से ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इनका मोलर मास तकरीबन सेम है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आप कह लें, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है दोनों के। इस तरह से मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर एज इथेन का बॉइलिंग पॉइंट है -88 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, आप देखें इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है, एक की वैल्यू पॉजिटिव में और दूसरे की नेगेटिव में, और नेगेटिव भी 88 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या वजह है, मेथनॉल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पास मेथनॉल है CH3OH, ठीक है। अगर मैं इसके दो मॉलिक्यूल्स बना दूं इस तरह से, दैट इज मेथनॉल। अब इसके अंदर इंटरमोलेक्युलर फोर्स कौन सी होगी स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या कहा था, एक हाइड्रोजन जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, एक मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए, ठीक है, क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए जिसके अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद हो। इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। अब इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी हमने कहा, तो इसका मतलब है कि मेथनॉल के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमोलेक्युलर फोर्स है वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्स। अब हम इथेन को अगर कंपैरिजन में लेकर आए कि इथेन के अंदर कौन सी इंटरमोलेक्युलर फोर्स है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा लो है। इथेन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स हम ऑब्जर्व करते हैं, इथेन इज CH3CH3। अगर हम इसे ओपन करके लिखना चाहें, ओपन स्ट्रक्चर देखते हैं, ये इस तरह से थ्री हाइड्रोजन इसके। अब स्टूडेंट्स, दो मॉलिक्यूल अगर हम यहां पर इथेन के लिए, ताकि हम देख सकें कि इनके दरमियान इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कौन सी हैं। अब स्टूडेंट्स, आप इनकी नेचर देखें, इसके अंदर कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन है,
जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है, कार्बन की 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन का 2.1 है। क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पोल्स नहीं बनते, तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज वीक। इसको हम डिफरेंट कलर से शो कर लेते हैं। वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस नॉन पोलर में हमने पढ़ी थी दैट इज LDF, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। डायपोल डायपोल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डायपोल डायपोल के अंदर कोई पोलैरिटी मॉलिक्यूल्स जो पोलर होते हैं उनके अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस मौजूद होती हैं। ये तो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं, इसके लिए इस वजह से इसके अंदर वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस LDF है। अब कंपैरिजन में देखें, एक मॉलिक्यूल ऐसा है, या आप कह लें कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्स है जबकि दूसरे के अंदर वीकेस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्स प्रेजेंट है। इस वजह से क्या हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट हुआ है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्स होने की वजह से मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और यहाँ पर इथेन में वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम है। और दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं तो मेथनॉल एग्जिस्ट एज लिक्विड वेयर एज इथेन एग्जिस्ट एज गैस। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक छोटा सा रिव्यू लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करती हैं या इफेक्ट करती हैं। मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होंगे एज कंपेरिजन टू अदर मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, आइए हम फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में, दैट इज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। हमारा फर्स्ट पॉइंट है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। जी स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? हीट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होंगी, मींस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा, कोवेलेंट हाइड्राइड्स किसे कहेंगे? स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। अगर नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर में क्या करेंगे? कोवेलेंट हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि अलोंग द पीरियड और अलोंग द कॉलम जो है वो किस तरह से, अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है इन द कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ये स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पीरियोडिक टेबल का एक पोर्शन ड्रॉ किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4A ग्रुप, 5th है, 6th है और 7th है। इस अभी टेबल में मैंने सिर्फ एलिमेंट्स मेंशन किए हैं, अभी हमने हाइड्राइड्स मेंशन नहीं किए। तो हम हाइड्राइड्स मेंशन कर लेते हैं पहले। 4A ग्रुप है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन है हमारे पास। क्योंकि ये 4A ग्रुप है, इट्स मीन कि इसके एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की है। और हम कोवेलेंट हाइड्राइड की बात करेंगे तो कितने हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो सकते हैं? 4 हाइड्रोजन। इसी तरह से सिलिकॉन के साथ भी, जर्मेनियम के साथ भी और टिन के साथ भी। तो ये इनके रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स हो गए। नेक्स्ट, इसी तरह से हम 5th ग्रुप, इसमें टेंडेंसी होती है 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने की, इसलिए 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे। 6 की 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, इसलिए इनके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। 7 की 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, इसलिए 1 हाइड्रोजन जो है इनके साथ अटैच हो जाएगा। और इनके रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स अब आपके सामने टेबल में मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 4A ग्रुप को डिस्कस करते हैं। अभी हमने बात की कि हम देखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करती हैं। स्टूडेंट्स, 4A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन है, इन चारों में आप ऑब्जर्व करें कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई भी नहीं है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तो क्या क्राइटेरिया होता है कि हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना जरूरी है, साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना जरूरी है। इट्स मीन के 4A ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस तो प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये नॉन पोलर हैं तो LDF तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिग्निफिकेंट होगी एज एन इंटरमोलेक्युलर फोर्स। उसकी बेस पर हम, ये 4A ग्रुप का ग्राफ है हमारे पास, यहाँ पर x एक्सिस के लॉन्ग हमने पीरियड नंबर्स मेंशन किए हैं और यहाँ पर y एक्सिस के लॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट है।
स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे टिन हाइड्राइड जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है पूरे ग्रुप में से सबसे ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है। डाउन द ग्रुप हमें पता है कि साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। टिन का साइज क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। जब पोलराइजेबिलिटी टिन हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी तो यहाँ पर एलडीएफ जो है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो सिग्निफिकेंट होगी एज कंपैरिजन टू अदर ग्रुप मेंबर्स। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप मेंबर्स में सबसे ज्यादा है। अब हम देखेंगे कार्बन यानी या मीथेन आप कह लेंगे, मीथेन का सबसे ज्यादा काम क्यों है? इसकी वजह क्या है कि कार्बन जो है अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है और इसका साइज क्या है? स्मॉल है। स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी जो है वो कम होगी। लेस पोलराइजेबिलिटी होगी तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड करती हैं किसी मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी पे। जिसकी पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वहां पर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस उतनी ही ज्यादा होंगी। इस बेस पे जो मीथेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम है, आप देख सकते हैं -164 है और टिन जो है इसका -52 आता है। ये तो बात होगी ऐसे हमने जो मॉलिक्यूल्स की बात की जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन स्टिल हमने उनका ट्रेंड डिस्कस किया कि क्यों उनके दरमियान भी बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह हमने क्या बताई? ड्यू टू लार्ज पोलराइजेबिलिटी ऑफ टिन, साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ आते हैं, दैट इज द 5A ग्रुप। स्टूडेंट्स 5A ग्रुप में अगर आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है दैट इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अमोनिया के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू इट्स ग्रुप मेंबर। कितना है इसका? -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स हमने क्या इसे ऑब्जर्व किया कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है और जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट ग्रुप की बात करें, दैट इज द 6A ग्रुप। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है दैट इज द एलिमेंट दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेरिजन टू इट्स ग्रुप मेंबर। बाकी ये जो तीन मेंबर्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर नहीं है इट्स मीन कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होगी, इनके दरमियान वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होंगी। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है दैट इज वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है यहाँ पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। दैट इज द हाइएस्ट अमंग ऑल इट्स ग्रुप मेंबर्स। बाकी सब ग्रुप मेंबर से क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। दैट शोज कि इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होंगी। कौन सी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर आप 7A ग्रुप की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डाउन द ग्रुप है डिक्रीज कर जाती है। इसका मतलब है कि फ्लोरीन जो टॉप पे प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। अब फ्लोरीन का जो हाइड्राइड क्या है? दैट इज HF। हमने ये बात कही थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना जरूरी है। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप मेंबर्स हैं HF है, HCl है, HBr है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है। हमने कहा था फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये जब प्रेजेंट होंगे तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब है HF के अंदर कौन सी इंटरमोलेक्युलर फोर्स होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HCl दैट इज द बॉर्डर लाइन केस। यहाँ पर कई केसेस में क्या होता है कि HCl जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, वहां पर डाइपोल फोर्सेस वो सिग्निफिकेंट होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो कर रहा होता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। तो ये बॉर्डर लाइन केस आता है।
जिसकी वजह से आप देखें कि HBr और HCl इनके दरमियान जो है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस आता है। HBr का बॉइलिंग पॉइंट कम है और HCl का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। उसकी क्या वजह आप लिख सकते हैं कि HCl दैट इज द बॉर्डर लाइन केस। इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डाइपल डाइपल फोर्सेस होने की वजह से या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। ये दोनों इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो है यहाँ पर ऑपरेट कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि HBr जिसके अंदर ओनली डाइपल डाइपल फोर्स है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कंपेरिजन टू HCl। अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड और HBr की बात करें तो इनके दरमियान भी काफी डिफरेंस पाया जाता है। उसकी क्या वजह है कि HBr के अंदर इसके अंदर डाइपल डाइपल फोर्सेस हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के साथ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं एज कंपैरिजन टू HBr। क्योंकि आपको पता है कि LDF जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एटम। जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या होंगी LDF फोर्सेस होंगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ब्रोमीन का साइज आयोडीन के साइज से छोटा है, इस वजह से यहाँ पर दो फोर्सेस ज्यादा ऑपरेट होने की वजह से क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कंपैरिजन टू HBr। स्टूडेंट्स अगर ये तो हमने अलोंग द ग्रुप जो है सारी डिस्कशन की कि किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा और किस वजह से हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम पीरियड वाइज डिस्कस करना चाहें तो देखते हैं क्या ट्रेंड फॉलो होगा। अब स्टूडेंट्स अब आप अलोंग द पीरियड देखें, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाते हुए हम पीरियड को कंसिडर करते हैं। ये सेकेंड पीरियड है, कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये तीन एलिमेंट्स क्या हैं, दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उतनी ही स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट की बेस पे आप क्या कह सकते हैं कि फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ऑक्सीजन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसकी कम होगी और अमोनिया की सबसे ज्यादा कम होगी। तो इस ट्रेंड को फॉलो अप करते हुए तो हमें फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन यानी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं देख रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? फ्लोरीन का 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा क्यों है इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसके अंदर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से प्रेजेंट है, जिगजैग पैटर्न होता है, सॉरी ये इस तरह से आएगा डाउनवर्ड और फिर इस तरह से ये ऊपर, जिगजैग पैटर्न है, ये इसके अंदर एंगल बनता है। स्टूडेंट्स अब आप ऑब्जर्व करें कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये डॉटेड लाइन किसको शो कर रही है, दैट इज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। डॉटेड लाइन को मैं ब्लैक से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि डिफ्रेंशिएशन अच्छी तरह से हो सके। ये ब्लैक डॉटेड लाइन दैट इज शोइंग द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द HF मॉलिक्यूल्स। अगर अब हम वाटर की बात करें, दूसरा स्ट्रक्चर हम वाटर को कंपेयर करना चाह रहे थे, तो वाटर का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स मौजूद हैं। अब ये लोन पेयर्स जो हैं ये फर्दर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट होके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। ये ब्लू डॉटेड लाइन यहाँ पर क्या शो कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम जो है ऑक्सीजन के एक एटम के साथ लोन पेयर उसका यूज करते हुए एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और इसी तरह से एक ही मॉलिक्यूल का जो वाटर मॉलिक्यूल का दूसरा हाइड्रोजन एटम है वो भी किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के साथ जाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इट्स मीन कि पर मॉलिक्यूल पर वाटर मॉलिक्यूल
कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं? दो, एक ये और दूसरा ये। तो पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं? टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। ये एक बात आपको समझ आ गई, हमने स्ट्रक्चर में देखा किस तरह से HF और वाटर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि क्योंकि फ्लोरीन जो है स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजन से ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हम तो ये चाह रहे थे कि क्योंकि इसके दरमियान ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसको तोड़ना भी ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है, तो HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था और वाटर का कम होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है एज कंपेरिजन टू HF वीक है, इसको कम एनर्जी चाहिए ब्रेक होने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि HF का जो बॉइलिंग पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया दैट इज 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो रिवर्स हो गया, HF का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। अब हम इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे? नो डाउट HF के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन स्टूडेंट पर मॉलिक्यूल HF में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जबकि वाटर में दो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होने की वजह से पर मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आप स्टूडेंट्स खुद सोचिए कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो ज्यादा होगी या दो हाइड्रोजन बॉन्ड एटम्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो ज्यादा होगी। तो ये क्लियर हो गया कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से क्या है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेरिजन टू HF। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर जस्टिफाई हुआ कि हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के बावजूद क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि पर मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उसकी बेसिस पे भी बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट होता है। फर्दर स्टूडेंट्स हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर देखें 7-6 ग्रुप में वाटर जो कि टॉप पर है दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड वेयर एज H2S दैट एग्जिस्ट एज गैस। अब एक ही ग्रुप के दो मेंबर्स हैं जिसमें एक लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है दूसरा गैस में, इसकी क्या वजह है? आपके बोर्ड में भी स्टूडेंट एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वाटर इज लिक्विड एंड H2S इज गैस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आप उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप इसी तरह से बताएंगे कि वाटर के दरमियान इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि सल्फर क्या है दैट इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस प्रेजेंट होंगी, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबसेंट होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबसेंट होने की वजह से और वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होने की वजह से H2S के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे, और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हों तो कौन सी स्टेट होती है? दैट इज द गैसियस स्टेट। और वाटर के केस में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस प्रेजेंट होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, या आप कह लें कि कंपैरेटिवली क्लोज होंगे एज कंपैरिजन टू HS। और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोज होते हैं तो वो स्टेट क्या बन जाती है? लिक्विड बन जाती है। दैट इज व्हाई वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड एंड H2S इज अ गैस। ये स्टूडेंट्स कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिहाज से हमने डिस्कस किए। अब स्टूडेंट्स हमने जब साइज की बात की थी कि साइज चेंज होने से भी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, जो कि फर्दर बॉइलिंग पॉइंट्स को इफेक्ट करती हैं। तो यही चीज स्टूडेंट्स हम पीरियड में देखते हैं कि आप अगर फोर्थ पीरियड को ऑब्जर्व करें, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या हाइड्राइड्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो ज्यादा हैं एज कंपैरिजन टू द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में जो हाइड्राइड्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं स्टूडेंट्स वो कम हैं। उसकी क्या वजह है कि हमने कहा कि डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, जब साइज बढ़ता है तो फिर क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी,
पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, एलडीएफ जो होती है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो स्ट्रांग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर्थ पीरियड में जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्राइड्स के वो ज्यादा हैं एज कंपेरिजन टू द थर्ड पीरियड। तो स्टूडेंट्स हमने क्या यहाँ से रिजल्ट निकाला कि एक तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर स्ट्रांग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं लेकिन पर मॉलिक्यूल वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा हो जाएंगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। दूसरी बात कि साइज ऑफ एटम इंक्रीज करने से भी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से फर्दर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। स्टूडेंट दैट वॉज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज द सॉलिबिलिटी। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं या प्रॉपर्टी आप कह लें सॉलिबिलिटी इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सिस्टम। तो हम वाटर के अंदर देखेंगे कि किस तरह से अगर हम डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉलिबिलिटी किस तरह से इफेक्ट होगी। वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। वाटर की वैसे नेचर क्या है, पोलर नेचर है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल यूज होना चाहिए कि पोलर में पोलर मॉलिक्यूल्स ही डिसॉल्व होंगे। सबसे पहले हम अल्कोहल्स को डिस्कस करते हैं कि अल्कोहल्स और वाटर, अल्कोहल्स वाटर में किस तरह से डिसॉल्व होती हैं और कब उनकी सॉलिबिलिटी जो है वो इफेक्ट होती है देखते हैं। अल्कोहल स्टूडेंट्स हम इन्हें जनरली ROH यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें OH का ग्रुप प्रेजेंट हो हम उन्हें क्या कहते हैं, अल्कोहल्स कहते हैं। ये एक पूरी फैमिली है, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेथनॉल है, एथेनॉल और इसी तरह से प्रोपेनॉल हम देख लेते हैं। इसमें 3 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं तो हम इसे प्रोपेनॉल कहते हैं। स्टूडेंट्स अब ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, स्मॉल इन साइज है। मेथनॉल के अंदर हम लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब क्योंकि मेथनॉल के अंदर भी क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद है दैट इज ऑक्सीजन। ये क्या करेगा, ये वाटर के हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। इट्स मीन कि मेथनॉल जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है क्योंकि मेथनॉल और वाटर के दरमियान क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो वी कैन से कि मेथनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर। इसी तरह से एथेनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और डिसॉल्व हो जाता है, प्रोपेनॉल भी करता है। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे जैसे ये कार्बन चेन इंक्रीज होती जाती है तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ अल्कोहल्स डिक्रीजेस। उसकी क्या वजह है कि जैसे जैसे ये कार्बन चेन बढ़ती है, कार्बन चेन का क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। ये अपने बॉन्ड्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑक्सीजन को देना शुरू कर देती हैं। इस ऑक्सीजन की तरफ जब जाएगा तो ये जो हाइड्रोजन होता है दैट बिकम्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इफेक्ट करेगी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमें जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम की जरूरत होती है। तो इसकी वजह से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि 4 to आप कह लें कि 6 तक जो अल्कोहल्स में कार्बन चेन है वो स्लाइटली सॉल्युबल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी इफेक्ट हो रही है तो सॉल्युबिलिटी भी इफेक्ट हुई। और 7 से ऑनवर्ड जो है अल्कोहल्स जो हैं वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, अब सेकंड हम देखेंगे, अल्कोहल्स को हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, सी डबल बॉन्ड OH इस तरह से है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम मौजूद है जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है दैट बिकम्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो है ये
हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट्स मीन कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनका साइज जो है वो स्मॉल होगा। अगेन कि कार्बन चेन बढ़ने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं रहता और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जिसकी वजह से लार्ज साइज कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डिजोल्व नहीं हो सकते। जो थर्ड हम पॉइंट देखेंगे, अभी हमने किस किस को डिस्कस किया, अल्कोहल्स को डिस्कस किया, सेकंड हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस किया, अब हम हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोकार्बन्स इन वाटर हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट दैट इज द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन जो हैं टोटली इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, उसकी क्या वजह है कि दे आर नॉन पोलर और वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, इन दोनों की नेचर तो डिफरेंट है, एक नॉन पोलर है और एक पोलर है, तो ये आपस में डिजॉल्व नहीं हो सकते, तो इट्स मीन इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो सकती और सॉल्युबिलिटी भी नहीं होगी। स्टूडेंट्स आपने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने किस तरह से इफेक्ट किया सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, ऐसे केमिकल्स जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं, और जैसे जैसे केमिकल्स की अगर नेचर चेंज हो जाए, मतलब कि जैसे हमने देखा था कि कार्बन चेन इंक्रीज होने से उनका हाइड्रोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं रहता, तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी भी इफेक्ट होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं, इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसके अंदर हम फर्दर एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे, कि इसी लेक्चर का सेकेंड पार्ट होगा। स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस आप ऑब्जर्व करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमारी डेली लाइफ में मौजूद है, और आप देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।